आप सब लोग मिलके ना विजय का बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, और हम और विजय कहीं दूर अकेले में धमाकेदार पार्टी करेंगे। इस घर की खिटपिट से दूर, जहां पर कोई भी कबाब में हड्डी ना हो, है ना जान? Oh God, फिर चाचू और चाची का इंजेक्शन वाला प्लान कैसे कामयाब होगा? तो हड्डी, कबाब को लेके आप कहाँ जा रही हैं? मतलब हम सबको छोड़ के तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज गायत्री दीदी, हमने ये बात विजय को नहीं बताई है तो आप लोगों को कैसे बताएंगे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलो यहाँ से, नहीं खाना इसका केक। सॉरी, ध्यान नहीं रहा। अंधी हो क्या? क्या ध्यान नहीं रहा? जान, हम इसे ठीक करके आते हैं। जान, तुम भी चलो ना हमारे साथ। चलो। चाची, उनका पीछा करिए। आपका वो इंजेक्शन वाला प्लान, तुमने ये सब इसलिए किया? हाँ, अभी मंदिरा जी आए, इससे पहले आप जाइए। जाइए। अरे मंदिरा, ये सब उतार हुई, क्या जरूरत है सब करने की? कहाँ लेके जा रही है? जान, तुम चलो तो सही, हमने तुम्हारे लिए और बहुत सरप्राइज प्लान किया। बैठो जल्दी से, बैठो। अरे मंदिरा, ये सब क्या बचपना है, ये करने की जरूरत नहीं है। अरे पीछे एक सेकंड रुको तो सही। अच्छा, ये उतार दो, आंखें बंद रखेंगे। रुको, वन टू थ्री। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मंदिरा, तुमने पूरा रेस्टोरेंट हमारे लिए बुक कर दिया। हैप्पी बर्थडे जान। अब तुम देखो और क्या क्या सरप्राइज प्लान किया हमने तुम्हारे लिए। पता नहीं आज क्या होगा, उस सिरिंज भी बुलबुल के पास रह गए। चीयर्स। आज की रात सब बदलेगा विजय। क्या कर रही हो मंदिरा? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया? जान, हम तो सिर्फ प्यार जता रहे थे, तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें ऐसे धक्का क्यों दे रहे हो? प्यार? प्यार का मतलब ही समझती हो तुम? और तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी? बदल तो तुम गए हो जान। एक वक्त था जब तुम हमें पागलों की तरह प्यार करते थे। तब में और अब में बहुत फर्क है मंदिरा, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तुम अब तक वहीं खड़ी हो। और तुम भूल रही हो कि हम बुलबुल से शादी कर चुके हैं। शादी तुमने हमसे भी की है विजय, तो अपनाओ ना हमें। छुआ, तुम क्यों अपनी पत्नी होने का हक हमें नहीं दे सकते? कौन सी शादी की बात कर रही हो तुम मंदिरा? कौन सी शादी? तुमने वसु की बदनामी की धमकी देकर हमसे शादी की है। उसे शादी नहीं, उसे सौदा करना कहते हैं, उसे ब्लैकमेल कहते हैं। ठीक है, अगर तुम हमारी शादी को यही नाम देना चाहते हो ना, तो यही से तुम्हारी भाषा में हमारा जवाब भी सुन लो। हम आज तुमसे एक सौदा करते हैं।
वसु का MMS वाला वीडियो हम कभी लीक नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे कि हमने कभी ऐसा कोई वीडियो बनाया भी था। आज के बाद हम तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। तो उसके बदले में हमें क्या करना होगा? तन और मन से तुम्हारी पत्नी होने का पहला हक चाहिए। बस एक रात के लिए हमारे हो जाओ विजय। सुहाग रात मनाकर पूरी तरह से हमें सुहागन बना दो विजय। हाँ विजय, अगर तुमने हमारी ये शर्त मान ली, गुजारिश, अगर तुमने हमारी ये गुजारिश मान ली तो हम तुम्हें बता देंगे कि हमने वो चिप कहाँ छुपाई है। हाँ, हम खुद उस चिप को अपने हाथों से तोड़ देंगे, उसे जला देंगे। जैसा तुम चाहोगे ना, बिल्कुल वैसा होगा विजय। एक बार बस तुम मान जाओ विजय, उसके बाद तुम कभी हमसे दूर नहीं जा पाओगे। बस वो आजाद हो जाएंगे, तो तुम हमारी बात मानोगे ना? तुम जानते हो ना विजय, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। खुद तबाह हो सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। तुम पर पहला अब सिर्फ और सिर्फ हमारा होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक लड़की होकर अगर अपना नाम अपनी इज्जत दांव पर लगाने से हम नहीं डर रहे तो फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? बताओ, हमें समझाओ। क्या समझे, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि चीजें यहां तक कैसे पहुंच गई। तुम वो लड़की नहीं हो जिससे हमने कभी प्यार किया था, बहुत बहुत प्यार। मुझे बस एक मौका दे दो हमें, हम फिर से वही मंदिरा बन जाएंगे। तुम्हें तुम्हें फिर से हमसे प्यार हो जाएगा। बस एक बार अपने आप को हमें सौंप दो। हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हें कोई पश्चाताप कोई पछतावा नहीं होगा, बस प्यार ही प्यार होगा। सिर्फ एक बार हमसे कह दो, एक बार कह दो, आई लव यू मंदिरा। पीछे ये एक रात तुम्हारी हमारी इनफैक्ट वसु की जिंदगी बदल जाएगी। वसु हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी विजय, बस एक रात की तो बात है। ये शादी का बंधन, जिम्मेदारी का बोझ, जिन बेड़ियों में बुलबुल ने तुम्हें बांध कर रखा है ना, तुम इन सबसे आजाद हो जाओगे।
अच्छा एक बात बताओ, अगर वक्त के पहिए दोबारा पीछे घूमते हैं तो क्या तुम अपनी दोस्ती के लिए हमें फिर से कुर्बान कर दोगे? चुप क्यों हो, बोलो। अगर जिंदगी तुम्हें हमारी कहानी लिखने का मौका दोबारा देगी तो क्या तुम अपने फैसलों को बदलना नहीं चाहोगे? मंदिरा, हम अभी आते हैं। विधायक जी बिना जवाब दिए क्यों चले गए? नहीं चाहिए ऐसा भाई जो कसाई बनकर रिश्तों को काटे। मैंने तो तय कर लिया है, आज के बाद उसके साथ कोई ना रिश्ता रखूंगी ना ही उसे राखी बांधूंगी। हम ही पागल हैं जो सोचा उसके जन्मदिन पर साथ बैठ के वक्त बिताएंगे, लेकिन नहीं, वो तो चला गया उस चुड़ैल के साथ ऐश करने। मंदिरा जी के आने के बाद से भैया बदल गए। अरे वो पराई सौतन को क्या दोष देना जब अपना ही सिक्का खोटा निकला। बड़की दादी ने भी चाचू के बारे में यही कहा था, चाचू को तो जैसे हमारी कोई पड़ी नहीं है। विजय भले हमसे मुंह मोड़ ले, लेकिन वो बुलबुल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बस करिए, चाचू को कोसना बंद करिए। आप लोगों को पता नहीं चाचू ये सब क्यों कर रहे हैं, अगर पता चलेगा ना तो आप लोग भी। तो क्या वसु, तुम बताओ कि वजह क्या है, तुम बताओ कि चाचू ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तुम्हें कुछ बताया? बताओ चुप क्यों हो? अरे कुछ वजह होगी तो बताओगी ना वसु। तुम चाचू के साइड मत लो, उन्हें आजकल सिर्फ मंदिरा जी दिखाई देती है। मंदिरा जी ही उनका परिवार है, हम लोग कुछ भी नहीं उनके लिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि चाचू जो भी करते वो हमारे परिवार के लिए करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो ये केक भी काटूंगी, उनका बर्थडे भी मनाऊंगी और उन्हें विश भी करूंगी। अगर आप सब में से अभी भी चाचू पर किसी को भरोसा है तो वो प्लीज मेरा साथ दे। लेकिन मेरे सामने चाचू को मत कोसिए। तुमने हमसे हाँ तो नहीं कहा, लेकिन तुम ना भी नहीं कह पाए। बस एक रात के लिए तुम हमारे हो गए ना, उसके बाद तुम्हारे ये जो मिडिल क्लास संस्कार है और तुम्हारी अच्छाई है ना, वो तुम्हें हमसे दूर नहीं जाने देगी। ना चाहते हुए भी तुम हमारे ही बनकर रह जाओगे। हमारा क्या है, बस एक रात की बेशर्म, उसके बाद जिंदगी भर का प्यार। बुलबुल, मंदिरा ने देखा तो नहीं, पर तुम्हें आई कैसे? था भाई वो आपकी गाड़ी के डिक्की में छुप कर। अच्छा अच्छा अच्छी बात। अच्छा सुनो, वो इंजेक्शन नहीं हो क्या? हमें अपने प्लान को यही अंजाम देना होगा। कर क्या थे? विधायक जी, उससे पहले हम आपसे एक सच जानना चाहते हैं। बोलो। अगर समय के पहिए वापस घूमते, अगर जिंदगी आपको दोबारा अपनी कहानी लिखने का मौका देती, तो भी क्या आप मंदिरा जी को छोड़ते? ओहो, तो मतलब तुमने भी मंदिरा की बकवास सुनी। तुम तो सुन रही थी ना, तुम्हें क्या लगता है? हमें नहीं पता, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। खामोशी बहुत कुछ कह गई? गुड, वेरी गुड। मतलब अगर हमारी खामोशी ने तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दिया तो इसका मतलब मंदिरा तो 100% सोचने पे मजबूर हो गई होगी कि हम अपने किए पर पछता रहे। इसका मतलब आप वो सब जी, मंदिरा को अंटे में लेने के लिए उसे धोखा दे रहे थे ताकि वो हमें चिप का पता बता दे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हम इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि तुम भी धोखा खा जाओगी। विधायक जी, एक पल के लिए तो हम डर ही गए थे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। चलिए,
मंदिरा जी से वो चिप लेकर वसु और हमारे पूरे परिवार को मंदिरा जी के साये से आजाद करते। अरे एक वो जरूरी बात करनी थी। हाँ, तुम्हारा जो विज्जू है वो सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हें प्यार करता है। एक और जरूरी बात करनी थी। अगर हमारी जिंदगी में रिवाइंड का बटन होता ना तो हम एक नहीं हम दो चीजें बदलते। पहली, हम मंदिरा को कभी मिलते ही नहीं, और दूसरी, हम तुम्हें थोड़ी जल्दी ढूंढ लेते। लेकिन इस बार ना हम तुमसे शादी नहीं करते, तुमसे हम करते लव मैरिज। और अगर तुम नहीं मानती ना तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते, अगर फिर भी नहीं मानती तो उठा के ले जाते, समझी? ए मैडम, ऐसे हंसो मत, विधायक हम अभी बने हैं, दबंग हम पहले से ही थे, एकदम डेयरिंग टाइप। थोड़ा काम कर लें, अपनी गलती सुधार लें। क्या सोचा तुमने? लेकिन पहले मैं बताओ कि वसु की जब तुमने कहां छुपाई है, हमारा मतलब इतना सब कुछ हुआ है, हम तुम्हारा भरोसा कैसे कर लें? जान, हम तुम्हें वो चिप दे देंगे। वो चिप हमारे बहुत पास है और हमारे साथ भी। जैसे तुम, बताओ ना बस वो क्लिप कहाँ है? हम तुम्हें बता देंगे कि चिप कहाँ है, बस एक बार सुहागरात हो जाए, उसके बाद तो सब कुछ तुम्हारा है ना। हमने तुम्हारे लिए ना एक होटल रूम बुक किया है, सरप्राइज है।